माइन माइम ढेर पे तेरी बोल रहा है कागा। घबराइए नहीं, इस बेसुरी आवाज़ में मैं आपको गाना नहीं सुनाने वाला हूँ। आज हम याद करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। मैं ये गाना क्यों गुनगुना रहा हूँ ये इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट के अंदर है वो भी सामने लिखा हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट दे दिया जाता है कि ये किस स्टेट में, आपको पता लगाना होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहला पावर प्लांट हम लेते हैं कैगा, कैगा, ठीक है। अब कैगा से मिलता जुलता वर्ड है कागा, और कागा, अभी गाना गा रहा था कि मुडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, कागा मीन्स कौआ, क्रो। ओके, तो जो क्रो, यहाँ से हमने वर्ड ले लिया क्रो, कर्नाटक से हमने वर्ड ले लिया कार अटका, कार अटका। अब आपको इमेजिन करना है कि आप कार से जा रहे हैं बहुत स्पीड के साथ रोड के ऊपर, और अचानक से सामने से एक कागा यानी कि क्रो आकर के आपकी कार से टकराता है और वह कार में अटक जाता है, यानी क्रो कार में अटक जाता है, कार में अटका क्रो। तो कागा से आपको याद आ जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट है काकरापार, काकरापार, काकरापार से हमने क्या बनाना है, अगर इसको स्लो मोशन में पढ़ें आप केक, अगर ऐसे पढ़ें आप केक रैपर, केक रैपर, तो यहाँ से काक से हमने ले लिया केक रैपर, रैपर, ठीक है। और ये गुजरात का सिंबल ले लिया अपन ने गांधी जी, क्योंकि गांधी जी जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। ओके, तो हमने क्या इमेजिन करना है कि एक जगह पर ना बहुत भीड़ लगी हुई, आप जा रहे हैं अचानक से और भीड़ लगी हुई है, और आप जा कर के देखते हैं कि यार माजरा क्या है, तो आप देखते हैं कि जो गांधी जी है ना वो थोड़ा थोड़ा केक रैप कर करके लोगों को दे रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा सारा केक है और उसमें से केक के टुकड़ों को रैप कर करके, केक को रैप कर करके यानी कि लपेट करके, और क्या दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। नेक्स्ट है कल्पक्कम, अब कल्पक्कम से हमने क्या वर्ड लेना है, देखिए अब यहाँ पर दो पावर प्लांट हैं जो, जैसे कल्पक्कम और कुंदनकुलम, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर हैं, तो दोनों को एक साथ हम याद करते हैं। कल्पक्कम से हमने बनाया पक्का, यहाँ पे देखो पक्का आम, पक्कम पक्कम से ऐसे आप पढ़ें अगर थोड़ा सा अपने को ऐसा प्रोनंसिएशन आ रहा है पक्का आम। ओके, तो पक्का आम ले लिया हमने यहाँ से। कुंदन, देखिए कुंदन जो होता है, कुंदन का हिंदी में मतलब होता है सोना, ठीक है, तो यहाँ से वर्ड ले लिया हमने सोना। ओके, और तमिल से ले लिया अपन ने तमिल लैंग्वेज। तो अब देखिए हमें थोड़ा फनी सा इमेजिन करना है, थोड़ा फनी सा हमें विजुलाइज करना है कि एक पक्का आम है, एक बहुत बड़ा सारा पक्का आम है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि एक गली के अंदर फेरी लगा रहा है, और फेरी लगा कर क्या कर रहा है, सोना बेच रहा है, ठीक है। अब वो सोना बेचने के लिए जो बोल रहा है वो किस लैंग्वेज में बोल रहा है, तमिल लैंग्वेज में बोल रहा है, यानी तमिल लैंग्वेज में बोल बोल करके वो पक्का आम जो है वो सोना बेच रहा है। ओके, नेक्स्ट है नरोरा, नरोरा से मिलता जुलता वर्ड है अरोड़ा, नरोड़ा से मिलता जुलता वर्ड अरोड़ा। अब अरोड़ा कौन होते हैं, सरदार जी, ठीक है। अब सरदार जी जो हैं वो अपने बच्चों को क्या कहकर बुलाते हैं, दे कॉल देयर सन ओ पुत्र, ओ पुत्र एदरा, तो पुत्र से आपको याद आ जाएगा उत्तर, और अरोड़ा से आपको याद आएगा नरोड़ा, तो नरोड़ा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ओके, रावत भाटा, तो रावत भाटा में आप देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है भाटा, अब भाटा मीन्स क्या होता है, पत्थर, स्टोन, ठीक है। आप क्या इमेजिन करना है आपको कि आप देख रहे हैं कि एक राजा है, या एक राजा की वेशभूषा पहने कोई व्यक्ति जो है वो रास्ते से पत्थर को हटा रहा है, पत्थर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो रावत भाटा से आपको याद आ जाएगा राजा से राजस्थान। नेक्स्ट है तारापुर, तारापुर से हमने क्या ले लिया, तारा ले लिया, तारा मतलब स्टार, और महाराष्ट्र में देखिए आप स्टार्टिंग में यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में छुपा हुआ है महाराज, तो महाराज मतलब एक कोई महापुरुष, साधु महात्मा, ठीक है। तो अब आपको क्या इमेजिन करना है कि जो साधु महात्मा हैं, महापुरुष हैं, वो क्या है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एक ऐसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है जिसके ऊपर तारे ही तारे बने हुए हैं, सारे स्टार स्टार बने हुए हैं, और स्टारों की जैसे जैसे स्टारों से एक लाइट आती है ट्विंकल करते हैं, ऐसी उनकी ड्रेस जो है उसमें जो स्टार लगे हुए हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको इमेजिन करना है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा तारापुर से महाराज, महाराज से आपको याद आ जाएगा महाराष्ट्र। तो ये तो जो पूरे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया के अंदर हैं वो कौन कौन सी स्टेट में, ये हमने लर्न किया एक ट्रिक के साथ में। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़
सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे छोटा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दें कि वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले में समय में आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।